रिश्वत के खेल में पिस रहे आउटसोर्स कर्मचारी जल्द ही बड़े आंदोलन की आशंका। आज विंध्य प्रदेश टीवी में ऐसे तंत्र का खुलासा करने जा रहा जिसके बाद आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि आखिर कैसे कई वर्षों में एक ही कुर्सी में फेविकोल चिपका कर बैठे अधिकारियों के कहर से आउटसोर्स अमले में अब हड़कंप मचा है। आज के स्पेशल शो भ्रष्ट तंत्र की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आज की वीडियो आप सब जरूर शेयर करके जिम्मेदारों तक पहुंचाएंगे। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के तराई अंचल देवथर से है, जहां बिजली विभाग अंतर्गत मगरमच्छ की तरह आउटसोर्स को निगल जाने और भय का वातावरण निर्मित करने में जुटे हैं। एक ही अधिकारी कई वितरण केंद्रों का प्रभार लेकर उपभोक्ताओं से लेकर आउटसोर्स कर्मियों से मोटी रकम वसूल रहा है। जहां उपभोक्ता तो हर तरह से पीड़ित हैं, चाहे जले ट्रांसफार्मर बदलवाने की बात हो, फिर या नए कनेक्शन की बिना रिश्वत की सीढ़ी पार किए तो कार्य संभव रहता ही है। इतना ही नहीं, कई वितरण केंद्रों का प्रभार एक ही अधिकारियों के पास होने के कारण दफ्तरों के चक्कर लगातार उपभोक्ता लगा रहे हैं, लेकिन भला वरिष्ठ जिम्मेदारों को क्या फर्क पड़ता है। सूत्रों की माने तो आउटसोर्स कर्मियों का स्थानांतरण करके पैसे ऐठा जा रहा है, जिसमें जिसने पैसा दिया उसका पुनः वापस स्थान पर स्थानांतरण और जिसने नहीं दिया उसको काफी दूर स्थानांतरण करके परेशान किया जा रहा। चलिए आपको स्थानांतरण पत्र दिखाता हूं किस तरीके से एक ही कर्मचारियों को प्रताड़ना देकर खेल खेला जा रहा है। ये देखिए तस्वीर क्रमांक एक, इस पे आप देखेंगे किस तरीके से कौन से दिनांक में यह आउटसोर्स कर्मचारी का ऑर्डर हुआ और इसी तरीके से पुनः कुछ दिनों बाद जब उसने पैसा नहीं दिया तो कहीं और स्थानांतरण कर दिया गया। इसी तरीके से पूरी तस्वीर देखिए, आप पहले और बाद की तस्वीरें देख सकते हैं। तो आपने बारी बारी से देखा किस तरीके से कम समय में एक ही आउटसोर्स के कई स्थानांतरण, इस तरीके से कई आउटसोर्स कर्मचारी ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के चपेट में प्रताड़ना झेल रहे हैं। सूत्रों की माने तो इतना ही नहीं, आउटसोर्स एजेंसियों द्वारा 40,000 से 50,000 रुपए की रिश्वत लेकर भर्ती की जा रही और वही पुराने लड़कों को मूल पद से हटाकर अन्यत्र कार्य के लिए स्थानांतरण किया जा रहा, तो वही नए नियुक्त हुए कर्मी को मनचाहा पद और स्थान दिया जा रहा है। आप के जिम्मेदारों से पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि यह विभाग की प्रक्रिया ही है और आवश्यकता अनुसार किसी को कहीं पर भेजा जा सकता है, लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर 10 दिनों की आवश्यकता और 10 दिनों बाद पुनः क्यों यूटर्न। यहां शासन की नियमावली को भी तार तार किया जा रहा, 8-8 घंटे की ड्यूटी और साप्ताहिक अवकाश का प्रावधान है, तो वही 3 ऑपरेटर से ही ड्यूटी करवाई जा रही और साप्ताहिक अवकाश का नामो निशान ही नहीं है। बड़ी बात तो यह है कितने दर्दनाक रवैये के बाद भी जिम्मेदार कुछ बोलना ही नहीं चाह रहे और पूरी तरह से गहरी नींद की सैया में सोए हुए हैं। ये करने वाला कोई और नहीं, घोटाले प्रकरण में आरोपी रहे जिम्मेदार अधिकारी ही कर रहे हैं, जिनका तार राजनेताओं से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक है। जरा सोचिए एक ही स्थान पर एक अधिकारी ही कैसे फेविकोल की तरह जम सकता है। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसे अधिकारियों के कनेक्शन कितने दूर तक जुड़े हैं। आपको बता दें अभी तो ये फिल्म का ट्रेलर देख रहे हैं, अगली जब भी वीडियो आएगी उसमें पूरे भ्रष्ट तंत्र के तार का खुलासा देखेंगे। और देवथर में ऐसा कौन अधिकारी की हम बात कर रहे हैं, आप सब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे याद दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, चमचों से कहना चाहता हूँ कि अपने आका से कह देना अगली वीडियो साक्ष के साथ आएगी, और ये भी बता देना जब तक सिस्टम गलत रहेगा तब तक आवाज उठती रहेगी। बिना डरे बिना झुके आपका आर्यन जायसवाल विंध्य प्रदेश टीवी।